मध्य प्रदेश में कमलनाथ की टीम तैयार हो गई है। कमलनाथ मंत्रिमंडल में 28 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें दो महिलाएं शामिल हैं। दो महिला मंत्रियों में से एक पर घरेलू हिंसा का आरोप लग चुका है। जी हां, यह आरोप मंत्री इमरती देवी पर लगा है। साल 2016 में इमरती देवी की भतीजा बहू क्रांति देवी ने इमरती देवी और उनके पति पूरन सिंह, भतीजे अमृत लाल, जेठ हीरा जाटव, प्रहलाद जाटव और गार्ड लक्ष्मण पर मारपीट का आरोप लगाया था तथा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को दबाने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन अंततः पुलिस को प्रकरण दर्ज करना पड़ा। इमरती देवी के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कलेक्टर को भी खरी खटी सुनाई थी और यह कहा था कि वे उन्हें मारेंगी। इमरती देवी बेहद आक्रामक स्वभाव की बताई जाती हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि मंत्री के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह वे कैसे करती हैं।